हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टू स्टडी क्लासेस। आज दी इस वीडियो विच मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी प्लस टू क्लास के लिए तुहाडे फर्स्ट सैक्शन है जिहड़ा इंग्लिश का, ए पार्ट के विचों सैकेंड चैप्टर की मार्च किंग के लोंग क्वेश्चन आंसर। सैकेंड जिहड़ा चैप्टर तुहाडा दी मार्च किंग रिटन बाय हैगा है कैथरीन लिटल बेकलेस, उसके जिहड़े इंपोर्टेंट टू जिहड़े लोंग क्वेश्चन ने उन्हां दे आंसर विद पंजाबी एक्सप्लेनेशन। ध्यान नाल देखियो वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, राइट अ ब्रीफ करैक्टर स्कैच ऑफ योहन फिलिप सोसा, जो इसका मेन करैक्टर स्टोरी का उसका जिहड़ा करैक्टर स्कैच अपने इस दे विच दसना। सो इसका आंसर है अपने को, योहन फिलिप सोसा वॉज द मेन करैक्टर ऑफ द स्टोरी। ये जिहड़ियां लाइनस ने जिहड़ियां फर्स्ट टू लाइनस ने किसी भी क्वेश्चन का जिहड़ा तुसीं आंसर करना है, जो किसी भी करैक्टर स्कैच तुसीं किसी भी चैप्टर का लिख रहे हो कोई भी करैक्टर स्कैच, तो तुसी फर्स्ट दो जिहड़ियां दो लाइनस ने वो सिंपल यही ऐड करनिया ने कि जो भी करैक्टर का नेम आ, दिस वॉज अ मेन करैक्टर करैक्टर ऑफ द स्टोरी, कि स्टोरी आ उसका नाम तो किस द्वारा लिखी गई आ उसका नाम, ये तीनों चीज़ां मैनशन करके जिहड़ी तुहाडी फर्स्ट लाइन आ वो पूरी हो जाएगी। तो सैकेंड लाइन तुसी अपने कोल तो लिख सकते हो कि ही इज़ एन इंट्रस्टिंग करैक्टर, ही इज़ एन इंट्रस्टिंग करैक्टर, इस दे नाल जिहड़ी तुहाडी स्टार्टिंग है जिहड़ी वधिया हो जाएगी, तो सिंपल लाइनस दे नाल हो जाएगी ईजीली। सो फस्ट लाइन अपने कोल, योहन फिलिप सोसा वॉज द मेन करैक्टर ऑफ द स्टोरी द मार्च किंग, कि स्टोरी का मेन करैक्टर है फिलिप सोसा द मार्च किंग का, रिटन बाय के एल बेकलेस, जिहड़ी कि कैथरीन लिटल बेकलेस द्वारा लिखी गई है, के एल तो अपने शोर्ट करता उसनू, उस द्वारा लिखी गई है। ही वॉज अ यंग बॉय, वह एक यंग मुंडा है। ही वॉज अ फेमस मजिशियन, वह एक जिहड़ा मशहूर मजिशियन सी इन अ मैरिने बैंड दे विच, जिहड़ा US आर्मी का मैरिने बैंड सी उस दे विच जिहड़ा वह फेमस मजिशियन सी। ही वॉज अ फेमस मजिशियन इन अ मैरिने बैंड ऑफ US आर्मी, US की जिहड़ी आर्मी सी उस दे विच वह मैरिने बैंड दे विच एक फेमस मजिशियन सी। हिज फादर वॉज ऑलसो इन द सेम प्रोफैशन, सेम प्रोफैशन मतलब कि उसके पिता जी भी ने जोड़े सेम प्रोफैशन काम करते, वह भी एक मजिशियन से, उन्होंने इंस्पायर होकर जोड़ा वो फिलिप सोसा है वह भी मजिशियन बनना चाहता सी जो चाइल्ड से। फिलिप वॉन्टड टू बी अ मजिशियन एज अ चाइल्ड, कि फिलिप जोड़ा जो एक बच्चा से वह भी एक मजिशियन बनना चाहता सी, बिकॉज वह अपने फादर तो जो इंस्पायर होया हुआ एज वो फादर है जोड़े सेम प्रोफैशन काम करते। फिलिप वॉन्टड टू बी अ मजिशियन एज अ चाइल्ड, जदों एक बच्चा सी तां वह मजिशियन बनना चाहता सी। ही स्टार्टड लर्निंग म्यूजिक फ्रॉम मिस्टर एस्पोटा, मिस्टर एस्पोटा उसके टीचर का नाम है, म्यूजिक टीचर का नाम जिस तो उन्होंने म्यूजिक लर्न करना स्टार्ट किया। ही स्टार्टड लर्निंग म्यूजिक फ्रॉम मिस्टर एस्पोटा, उसने जिहड़ा मिस्टर एस्पोटा तो म्यूजिक सीखना स्टार्ट किया। ही लव टू प्ले बेसबॉल, तो उसनू जिहड़े बेसबॉल खेडनी पसंद सी। ही गॉट चांस फॉर सोलो परफॉर्मेंस एट द एज ऑफ 11, जो 11 साल का सी उसनू एक परफॉर्मेंस कह सकते हैं कि एक छोटे जे कंसर्ट के उसनू परफॉर्मेंस करन दा मौका मिलिया, चांस मिलिया जो वह 11 साल का सी। बट ही इज़ लव फॉर बेसबॉल, पर जिमें कि उसनू बेसबॉल जिहड़ी खेडनी पसंद सी, मेड हीज़ कंसर्ट अ फ्लॉप शो, उसने जिहड़ा उसका शो सी वह फ्लोप करता सी, मतलब कि मशहूर नहीं सी होया, वधिया नहीं सी होया। बट हीज़ लव फॉर बेसबॉल मेड हीज कंसर्ट ऑफ फ्लोप शो, दिस फेलियर ब्रोक हिम, तो इस जिहड़े उसकी हार हुई जिहड़ी ये दिस फेलियर ब्रोक हिम, उसने उसनू तोड़ दिता, जिमें कि आप कह दें कि किस कुछ हासिल ना होया तो बिल्कुल टुट गया उसका म्यूजिक तो मन उठ गया, उसका नहीं दिल करता सी फिर म्यूजिक करने नू, उन्हें सोचा कि हुण वो म्यूजिक छड्ड के बेकरी का काम सीखेगा। नैक्सट है, ही ट्राई टू बी अ बेकर बट कुड नॉट, उसने सोचा सी कि वह बेकर बन जाएगा, बेकरी के विच काम करेगा, बट कुड नॉट पर नहीं कर सकिया, बट कुड नॉट नहीं कर सकिया। द बेकरी वर्क वॉज टायरिंग, जिहड़ा बेकरी वर्क सी वह बहुत टायरिंग सी, मतलब थकावट वाला काम सी, इस करके वह नहीं कर पाया, वह बेकर नहीं बन सकिया। हिज फादर मोटिवेट हिम टू ज्वाइन म्यूजिक अगेन, तो उसके पिता ने जिहड़ा उसनू मोटिवेट किया, दोबारा तो प्रेरित किया, मोटिवेटेड हुंदा
प्रेरित करना। उसके पिता ने उसनू दोबारा प्रेरित किया कि वह दोबारा तो जिहड़ा म्यूजिक आ ज्वाइन कर ले, उसनू दोबारा म्यूजिक सीखना स्टार्ट करना चाहिए। नैक्सट इज ही ज्वाइन US मैरिने बैंड एंड बिकम अ फेमस कंपोजर। जो उसने दोबारा म्यूजिक सीखना स्टार्ट किया उस तो बाद ही ज्वाइन अस US मैरिने बैंड, उसने US का जो मैरिने बैंड है फेमस बैंड से वह एंड बिकम अ फेमस कंपोजर, तो एक फेमस कंपोजर बन गया उस मैरिने बैंड के। दी वाशिंगटन पोस्ट मार्च वॉज हिज मोस्ट फेमस ट्यून। उसकी जी फेमस ट्यून से वह कि दी वाशिंगटन पोस्ट मार्च, ये उसकी एक ट्यून का नाम से दी वाशिंगटन पोस्ट मार्च वॉज दी हिज फेमस मोस्ट फेमस ट्यून। उसकी जी सब तो फेमस मशहूर ट्यून से दी वाशिंगटन पोस्ट मार्च। लास्ट दिस मेड हिम फेमस एज अ मार्च किंग। इसने जिहड़ा जी जदों उसने US मैरिने बैंड दे विच काम करना शुरू किया, उसने उसनू उस दे विच एज अ कंपोजर काम करना स्टार्ट किया, तो उसकी एक फेमस ट्यून बन गई, तो उसने उसनू जिहड़ा फेमस बनाता किस दी तरह एज अ मार्च किंग, एक मार्च किंग दी तरह उसनू मशहूर करता। ऐसी करैक्टर स्केच फिलिप सोसा दा, जोहन फिलिप सोसा। सैकेंड क्वेश्चन है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट, वट इज़ द थीम ऑफ द चैप्टर एक्सप्लेन ब्रीफली। कि जिहड़ा दी मार्च किंग चैप्टर आ उसकी जिहड़ी थीम है वह की है। इसका आंसर है अपने को, दी चैप्टर दी मार्च किंग हैज़ बीन रिटन बाय के एल बेकलेस। फस्ट लाइन अपनी की हुई आ कि जिहड़ा यह चैप्टर आ दी मार्च किंग वह किस द्वारा लिखा गया है, हैड बीन रिटन बाय के एल बेकलेस, के एल बेकलेस द्वारा लिखा गया है। दी थीम ऑफ दी लैसन इज़ दैट। इस चैप्टर की जिहड़ी लैसन की थीम है वह की है, दी थीम ऑफ दी लैसन इज़ दैट One can succeed in life if one pursues a vocation according to one's interest। कि कोई भी है जिहड़ा अपनी जिंदगी नू सक्सैसफुल बना सकदा, अपनी जिंदगी दे विच सफलता हासिल कर सकदा, किस तरह जे वो अपनी जिहड़ी वोकेशन है उसनू अपने इंट्रस्ट दे अकॉर्डिंग चलावे, उसनू परस्यूज किवें करे अपने इंट्रस्ट दे अकॉर्डिंग, अपने जिस विच उसकी दिलचस्पी है उस दे अकॉर्डिंग वो काम करे। एंड हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सैस। तो जिहड़ा हार्ड वर्क है वह सफलता की कुंजी है। इस स्टोरी दे विच, इस लैसन दे विच आपां की सीखते हैं कि जे वन कैन सक्सीड इन लाइफ, कोई भी है जिहड़ा अपनी जिंदगी दे विच सफलता हासिल कर सकता है, इफ़ वन परस्यूज अ वोकेशन अकॉर्डिंग टू वनस इंट्रस्ट, कि जेकर कोई अपने जिहड़े इंट्रस्ट दे अकॉर्डिंग अपने वोकेशन नू चलावे। सैकेंड एंड हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सैस, कि जिहड़ी सफल मेहनत है, सख्त मेहनत तो सफलता की कुंजी है, तो दूजा सख्त मेहनत करके आप अपनी जिंदगी दे विच जिहड़ी सक्सैस हासिल कर सकते हाँ। नैक्सट लाइन, वी शुड अवॉयड डिस्ट्रैक्शन टू सक्सीड इन लाइफ। कि सानू सफलता जिंदगी दे विच सफल होने दे लई जिहड़ा डिस्ट्रैक्शन ने, जिस चीज़ जिहड़ी चीज़ आपां नू डिस्ट्रैक्ट करदी है अपने गोल तो, उन्होंने अवॉयड करना चाहिदा, इगनोर करना चाहिदा। कंसिस्ट एफर्ट आर रिक्वायर्ड फॉर दिस। तो जिहड़े कंसिस्ट एफर्ट्स ने, जिहड़े मिले हुए एक कोशिशां ने, अपने एफर्ट्स ने, वो चाहिए ने इस नू पूरा करने के लिए फॉर दिस। कि जे आप किसी डिस्ट्रैक्शन नू अवॉयड करना तो आप किस तरह कर सकते हैं, कंसिस्टेंट एफर्ट्स के नाल। कंसिस्टेंट एफर्ट्स ने जिहड़े वो जरूरी ने किसी चीज़ नू अवॉयड करने के लिए ते सफल होने के लिए। वी शुड नॉट प्रोक्रेस्टिनेट अवर एक्शंस और बी लेजी। सानू जिहड़ा कदे भी लेजी नहीं होना चाहिए, अपने एक्शन जिहड़े वो ध्यान नाल करने चाहिए ने पूरा, कभी लेजी नहीं होना चाहिए। दी सेइंग वॉज ट्रू, के सारा कुछ जो उपर कहा, दी सेइंग वॉज ट्रू इन दी केस ऑफ जॉन फिलिप सोसा। कि जो उपर असी कहा कि डिस्ट्रैक्शन उसनू अवॉयड करना चाहिए, एफर्ट्स करने चाहिए ने, लेजी नहीं होना चाहिए, ये सारिया चीज़ा ने जिहड़ियां सच ने किस दे केस दे विच, इन दी केस ऑफ जॉन फिलिप सोसा। जोहन फिलिप सोसा की स्टोरी दे विच, उसके केस दे विच सारिया चीज़ा जिहड़ियां सही ने। ही डिसाइडेड टू बिकम अ मजिशियन एंड ड्यू टू डेडिकेशन। वो एक मजिशियन बनना चाहता सी एंड ड्यू टू डेडिकेशन, उसकी डेडिकेशन नाल, जिहड़ी उसकी डेडिकेशन सी अपनी मजिशियन बनन दी। जोहन फिलिप सोसा बिकम दी बैंड लीडर, अपनी डेडिकेशन दे नाल उसने अपनी मेहनत की, तो उस दे नाल वह जिहड़ा बैंड का लीडर बनया। एंड गॉट अ फेमस एंड गॉट फेमस एज दी मार्च किंग, तो एक मार्च किंग की तरह वो मशहूर होया बैंड लीडर बन के।
इस स्टोरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਥੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਫਸਟਲੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕਦੀ ਲੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੱਚ ਹੈ ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੋਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਉਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੈਂਡ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਐਂਡ ਗੋਟ ਆ ਫੇਮਸ ਐਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਵੀਡੀਓ